हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिटर्न वर्क। ठीक है, रिटर्न वर्क। ठीक है, रिटर्न वर्क के बारे में। रिटर्न वर्क होता है डोजिंग यूनिट के अंदर। ठीक है, रिटर्न वर्क के वायरिंग के बारे में, उसके वर्किंग सिस्टम के बारे में, इसमें कितना करंट जाता है, कौन सिग्नल वायर है, सिग्नल में भी कौन आउटपुट है, इनपुट है, और ये किस पिन से आ रहा है, अगर ECM से आ रहा है तो ECM के कौन कनेक्टर, ये मतलब देखिए रिटर्न बल्ब से जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी है, वायरिंग हो या कुछ भी हो, वो सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, डोजिंग यूनिट में देखिएगा तो एक गोल कपलर लगा हुआ है, गोल कपलर। तो सबसे पहले हम उस गोल कपलर को बना लेते हैं, उसके पिन नंबर को बना लेते हैं, ताकि हम जब डोजिंग ये रिटर्न बल्ब को बना करके उसके वायरिंग को बताएं तो आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ इस पिन से यहाँ पे करंट आया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, जो गोल कपलर है वहाँ पे पिन नंबर T U V, और यहाँ पे देखिएगा उसके बगल में जो पिन होगा वो खाली होगा, उसमें कोई वायर लगा हुआ नहीं रहता है। उसके बाद से नीचे में आइएगा तो पिन नंबर मिलेगा L। ठीक है, पिन नंबर L M N P R S। ठीक है, उसके बाद से उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे होगा पिन नंबर E। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों जगह खाली होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई वायर लगा हुआ नहीं रहता है। उसके बाद से उसके नीचे आइएगा तो पिन नंबर A B C D, ये हो गया चार पिन। ठीक है, मतलब कुल इसमें 12-13 वायर लगा हुआ रहता है। देखिए डोजिंग यूनिट के अंदर कौन सेंसर होता है, कितना सेंसर होता है, किसका क्या काम है, कौन देखने में कैसा है, मतलब ये सारा कुछ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, आप वहां से चाहिए तो देख सकते हैं। क्योंकि डोजिंग यूनिट को खोल करके एक एक सेंसर को निकाल कर उसके बारे में मैंने बताया है, वो सारा कुछ आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। उसका नहीं होगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हो गया वो होल कपलर जो डोजिंग यूनिट में लगा हुआ है, और ये जो कपलर है ये सारा वायर आया हुआ है ECM से। ठीक है, तो हम जानेंगे ECM से जो वायर आ रहा है यहाँ पे, उसमें सिग्नल वायर कौन है, पॉजिटिव वायर कौन है, और उसका कलर कोड क्या है, वायरिंग जो भी है उसका वायरिंग का कलर क्या है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से डोजिंग यूनिट के अंदर गया है सेंसर के पास, तो यहाँ से जो जा रहा है वायर उसका कलर क्या है, और जो सेंसर है उसमें लगा हुआ है तो उसमें कितना वायर लगा हुआ है, कैसे कैसे अंदर में कनेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया रिटर्न बल्ब, रिटर्न बल्ब। ठीक है, ये हो गया रिटर्न बल्ब, और इसमें होता है दो वायर। ठीक है, देखिए ये हो गया रिटर्न बल्ब और इसमें लगा हुआ है दो वायर, ये हो गया इसका कनेक्टर। ये मतलब मैंने एक रिटर्न बल्ब बना दिया। उसके बाद से देखिएगा तो रिटर्न बल्ब से जो वायर निकला हुआ है वो दोनों वायर आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। ठीक है, दोनों वायर काला रंग का है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, ये अब यहाँ पे ये दोनों वायर आ करके यहाँ कपलर में लगा हुआ है। अब इधर से जो वायर आएगा वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इधर से जो वायर आ रहा है उसका कलर क्या है वो भी हम अभी जानेंगे। तो और यहाँ से किस पिन से आ रहा है, तो फ्रेंड देखिए, जो पिन नंबर टी है और पिन नंबर डी सॉरी बी, ठीक है, ये पिन नंबर बी और टी, ये दोनों है रिटर्न बल्ब के लिए, और इसमें से होगा एक ग्राउंड और एक होगा सिग्नल वायर। ठीक है, तो जो पिन नंबर टी है ना वो होता है रिटर्न के लिए, पिन नंबर टी। ठीक है, ये देखिए, ये पिन नंबर टी ग्राउंड में काम करता है। ठीक है, और ये आ गया है यहाँ पे, ये हो गया पिन नंबर टी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न वायर यानी ग्राउंड का वायर है, और इसका रंग देखिएगा तो जो देखिए जो ECM से आ रहा है वो ECM से ये गोल कपलर के पास आ रहा है, उस वायर का कलर होगा पिंक पे येलो कलर का वायर। ठीक है, पिंक पे येलो कलर का वायर, और ये ग्राउंड में काम करता है यानी ECM इसमें हमेशा ग्राउंड दे के रखता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले से ग्राउंड दे दिया है ECM, अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये बल्ब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिग्नल वायर लगा के रखा है, सिग्नल वायर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं दिया है, नहीं तो हमेशा तो बल्ब ओपन रह जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे सिग्नल वायर लगा के रखा है। तो देखिए यहाँ से अब जो वायर गया है बी कपलर के पास, ये जो बी पिन के पास, उसका रंग होगा येलो पे ऑरेंज। ठीक है, येलो पे ऑरेंज कलर का वायर। ठीक है, तो दो, एक पिंक पे येलो, एक येलो पे ऑरेंज, ये दोनों वायर होता है रिटर्न बल्ब के लिए, और ये होता है सिग्नल। अब देखिए सिग्नल जो वायर है वो भी सिग्नल में दो किस्म का सिग्नल होता है, एक होता है इनपुट सिग्नल और एक होता है आउटपुट सिग्नल। तो ये जो येलो पे ऑरेंज कलर का वायर है ये है आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल वायर है, और उसके बाद से देखिए ये जो आप मैंने अभी कलर लिखा हूँ ये कलर है ECM से ये गोल कपलर के पास, और गोल कपलर से जो अंदर जाता है वो दोनों ब्लैक कलर का वायर होता है। अब देखिए, अब ECM में भी दो कनेक्टर लगा हुआ है, और देखिएगा ECM में एक छोटा कनेक्टर है और एक
बड़ा कनेक्टर है। तो जो छोटा कनेक्टर है वो होता है J1 कनेक्टर, और जो बड़ा कनेक्टर है वो होता है J2 कनेक्टर। ठीक है, ये दो कनेक्टर हो गया। अब देखिए, ये देखिए ECM में जो J2 कनेक्टर लगा हुआ है वो सारा वायर कहीं ऊपर गया है कहीं पीछे गया है, लेकिन देखिए डोजिंग यूनिट का जो भी वायर है या SCR सिस्टम के लिए जो भी वायर है वो सारा J2 कनेक्टर से ही गया है। पीछे में वो नॉक सेंसर का हो या टेम्परेचर सेंसर का हो या कुछ भी हो, पीछे में जो SCR का सिस्टम है वो सारा कुछ J कनेक्टर जो है वहाँ से वायर आता है। ठीक है, तो ये इसमें भी जो भी वायर लगा हुआ है वो J2 कनेक्टर के लिए है। उसके बाद से देखिए, ये जो J2 कनेक्टर है उसके कितने पिन से ये वायर आया है वो भी हम अभी लिख दे रहे हैं। तो ये जो पिन नंबर T है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पिन नंबर T। पिन नंबर जो T है वो आता है 57। J2 कनेक्टर का पिन नंबर 57 से आता है पिन नंबर T के पास वायर, जिसका कलर होगा पिंक पे येलो। और उसके बाद आता है पिन नंबर B। तो जो पिन नंबर B है वो होगा 79। पिन नंबर 79 J2 कनेक्टर का ही, और इसका रंग होगा येलो पे ऑरेंज। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल है। देखिए इसमें करंट कब आता है, अब सिग्नल का मतलब ये नहीं होगा कि इसमें ये कोई सिग्नल भेज रहा है, नहीं, वो भी सब करंट से ही काम होता है। उसमें भी कुछ ना कुछ सप्लाई, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, तभी जाकर के वो सिग्नल वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा, तो इसके ECM समझेगा कि ये किस पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, सेंसर क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें करंट कब आता है, जब डोजिंग कराने का वक्त आता है, ये रिटर्न बल्ब ओपन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे रिटर्न बल्ब हो या कोई भी बल्ब हो या कोई भी सेंसर हो या कोई भी टेम्परेचर स्विच हो या एयर प्रेशर का हो या वायरिंग का, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, हजार्ड स्विच, जो भी वायरिंग का, ABS का हो या एग्जॉस्ट ब्रेक का हो या SCR सिस्टम का हो, हर चीज़ पे मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। उसका वायरिंग कलर कोड से लेकर के हर चीज़, रिले हो या फ्लासर हो या जो भी होता है, ठीक है, वो वाइपर के लिए हो या कुछ भी हो, हर चीज़ पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है। मैंने अभी बोर्ड पे दिखाया हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसा वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे जो प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया है और बताया है कि वो कैसे काम करता है। देखिए हर चीज़ मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल आएगा, ये भी मैंने जो बताया हूँ अभी बोर्ड पे बस दिखा दिया हूँ उसका वायरिंग कलर कोड, नहीं तो ये जो रिटर्न बल्ब है इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इसमें करंट दे करके दिखाएंगे कि ये कैसे ओपन हो रहा है। इसके अंदर होता है क्वाइल, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके अंदर वो काम करता है। ठीक है, उसी तरह जब इसमें करंट जाएगा वो जो क्वाइल है उसमें, देखिए क्वाइल मतलब हो गया ये गोल 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 करके वायर घुमाया गया है इसमें तांबे का वायर, उसी में जब करंट जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाएगा ये, ठीक है, और खींचेगा तो वो बल्ब ओपन हो जाएगा। इसी को कहा जाता है बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको हर चीज़ मतलब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और